आज तारीख है 26/11, तकरीबन 13 साल से ज़्यादा हुए हैं जो मुंबई पे अटैक हुआ था, आपको शायद याद होगा। उस एक अटैक ने पूरे इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को दहला दिया था। जिस तरीके से वो अटैक हुआ था, जितने लोगों की जाने गई, पुलिस वालों की जाने गई, नॉर्मल सिविलियंस की जाने गई, बहुत खतरनाक चीज़ थी। और उसके बाद, इतने बड़े अटैक के बाद भी हमारा जो मुंबई है वो उससे उभर के आया, हमारा इंडिया उससे उभर के आया, और हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। और ये चीज़ें जो हुई है लाइफ में, ये हमें हमेशा सीख देती है कुछ ना कुछ। क्योंकि कैसा होता है, दुनिया में अगर आपको किसी चीज़ का सबक नहीं मिलता है तो आप शायद उस चीज़ से उभर नहीं आते हो, और ये अटैक एक एग्जाम्पल हो सकता है। समझ रहे हो, जिस तरीके से लोग घुस के आए, जहाँ पे उनको आसरा मिला या जो भी वो चीज़ें हैं, अब वो कितना मुश्किल है, अब कितनी कड़क सिक्योरिटी चल रही है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उन्हीं अप्स एंड डाउन्स में हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत से दुख आते हैं, उन दुखों पे हम मात करते सुख पाते हैं। और यही तो एक लाइफ है, यही जिंदगी का रूल है और मकसद है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि खैरात में कोई भी चीज़ मिले तो उसकी कीमत नहीं होती है। जब हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, जब हमें सबक मिलता है, तभी हम उस सबक से कुछ सीख के जिंदगी की अहमियत को जान के आगे बढ़ते हैं।